इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है, हमें इसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कर सकते हैं या किसी सिंगल एक अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम आपको एडजस्ट करके दिखा दे रहे हैं कि इसको एडजस्ट करके कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, और इन चीज़ों को आप सीखा करिए, जितने अल्टरनेटिव्स हैं उनको डिफिकल्ट या ईजी मत माना करिए, ठीक है। ये एक्सपीरियंस का कब आपको एडजस्ट करना पड़े कब नहीं करना पड़े ये आपकी चॉइस नहीं होगी, क्वेश्चन की चॉइस होगी, ठीक है। देखिए, हमने इसी को लिख लिया, इस एक्स के साथ टू ऐड कर दिया और टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको हमने अंडर रेडिकल को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए, अगर ये आप मल्टीप्लाई करते हो एक्स प्लस टू के साथ और इस टू के साथ अलग अलग, तो क्या ये हो जाएगा एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस टू की पावर हाफ, और माइनस क्या हो जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस टू की पावर हाफ, ठीक है। ये आपका हो गया dx, बड़े से ब्रैकेट में हमने प्लेस कर दिया। अब देखिए, यहाँ बेस सेम है एक्स प्लस टू, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई टू क्या आ जाएगा 3 बाई टू आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखिएगा, हम इसी स्टेप में लिख दे रहे हैं 3 बाई टू, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल क्या होता है आपका, लीनियर ऑपरेटर होता है, तो दो फंक्शन को अलग अलग ये डिफ्रेंशिएट कर लेगा, अरे सॉरी इंटीग्रेट कर लेगा, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेगा, उसको अलग इंटीग्रेट कर लेगा। तो हम लोग यहाँ पे dx और कांस्टेंट बाहर कर ले रहे हैं और इसको अलग इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो काफ़ी आसान है ना, ये क्या है लीनियर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस टू एक्स की पावर n प्लस वन, मतलब 3 बाई टू प्लस वन अपॉन 3 बाई टू प्लस वन, है ना, और x का कोफिशियंट 1 है तो यहाँ कुछ डिवाइड भी नहीं होने वाला है। अच्छा, थोड़ा सा और, आप यहाँ पे एक इंडेफिनिट कांस्टेंट से सी वन आएगा, है ना। इसी तरह से आप क्या करोगे, इसका करोगे, ये हो जाएगा आपका टू टाइम्स कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, और इंडेफिनिट कांस्टेंट क्या हो जाएगा से सी टू, है ना। यहाँ से इस इंटीग्रल से सी वन हमने लिखा, उस इंटीग्रल से सी टू लिखा। खैर, उसकी बाद में करते हैं, पहले ये फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया जाए। 3 बाई टू प्लस वन क्या हो जाएगा 5 बाई टू, तो ये 5 बाई टू, यहाँ भी 5 बाई टू होगा, फिर तो 5 नीचे 2 ऊपर चला गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 बाई टू, 3 बाई टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 बाई टू, तो 3 नीचे और 2 ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये आपका 4 बाई 3 हो गया प्लस। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये C1 और C2 मिलके सिंगल कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, है ना। C हम लिख देते हैं, तो इसको भी हटा देते हैं, C1 प्लस C2 क्या लिख देते हैं C लिख देते हैं, दैट इज अ सिंगल इनडेफिनिट कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर।